Hello friends, welcome to Jaidev classes for JRF in political science. कैसे हैं आप सब? Friend, this is Meenakshi Singh और आप सबके कहने पर मैं लेकर आई हूँ आज topic अतुल कोहली. ठीक है, आप सबने कहा था मैम अतुल कोहली कराइए, तो अतुल कोहली आज हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो अतुल कोहली को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे. ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है अतुल कोहली का, तो 25 जून 1949 में, तो अभी वर्तमान में है और इनकी उम्र आई थिंक 70 इयर्स तकरीबन हो चुकी है. ठीक है, अतुल कोहली जी की. अतुल कोहली अगर हम देखें, अतुल कोहली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर हैं ये. ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है इनका? राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामले. ठीक है, इस जो ये वाला राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामले में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है. ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे अतुल कोहली है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक पत्रिका है. ठीक है, जिसके संपादक है ये, तो ये पत्रिका का नाम ध्यान रखना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स. क्या नाम है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ये पत्रिका है बच्चों, ठीक है, ये पत्रिका है, इसके प्रधान संपादक है ये. ठीक है, कोहली जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो है ना, ये पत्रिका है, इसके प्रधान संपादक हैं. उसके बाद देखिए 2009 से 10 तक इन्होंने अमेरिका राजनीति विज्ञान में, ठीक है, संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं. ये ध्यान रखना, हमारे जो अतुल कोहली हैं वो 2009 से 10 तक अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है. तो देखिए दोबारा बता रही हूँ, अतुल कोहली 25 जून 1949 में जन्म हुआ, आज ये 70 इयर्स के हैं. अतुल कोहली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और सब्जेक्ट क्या है इनका? राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामले. ठीक है, राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामले, ये इनका एक तरह से सब्जेक्ट है. उसके बाद देखिए कोहली जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के प्रधान संपादक हैं. वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा. बुक्स अगर हम देखें तो बुक्स पे नजर डाल लेते हैं, बुक्स तो इंपॉर्टेंट है ही इनकी. ठीक है, तो देखिए पहली बुक है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट. स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट कब की है इनकी? है 2004 की है. ठीक है, तो पहली बुक आपको ध्यान रखनी है, स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट कब की है? 2004 की है. सेकंड अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंटलिटी. ठीक है, तो इसमें देखिए 1990 की है. कब की है ये? 1990. तो दूसरी बुक आपको ध्यान रखनी है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी. ठीक है, तो ये 1990 की है. थर्ड बुक देखें तो पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी एमिड प्लांटी इन न्यू इंडिया. कब की है? 2012 की है. पॉवर्टी एमिड प्लांटी इन न्यू इंडिया 2012. ठीक है, 2012 की बुक है ये. ठीक है, पहली मैंने क्या बताई? स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट 2004, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंटलिटी 1990, पॉवर्टी एमिड प्लांटी इन इंडिया न्यू इंडिया 2012. ठीक है, 2012. फिर देखिए द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये भी इनकी बुक है. ठीक है, और ये कब की है? 2001 की है. कब की बुक है बच्चों? 2001. द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये 2001 में बुक थी इनकी. ठीक है, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, तो अतुल कोहली की बुक है ये और 2001 की. फिर आ जाओ द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये भी इनकी बुक है. अगर इनसे रिलेटेड भाई क्वेश्चन आता है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो भाई एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जितने भी तकरीबन इनकी बुक्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए. ठीक है, तो जितने जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हम लोगों ने अभी देख लिया है, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा रही हूँ. ठीक है, अतुल कोहली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के संपादक हैं, 2009 से 10 तक ये अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. बुक्स अगर आप ध्यान रखें तो स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंटलिटी है, पॉवर्टी एमिड प्लांटी इन इंडिया इन न्यू इंडिया है, सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी है, स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया है. ठीक है, जो द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया है, तो ये 1987 की है, ये भी ध्यान रखना, इसका ईयर ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आ जाएगी आपकी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्री बिजनेस, ये 2009 की है. ठीक है, सॉरी,
तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्री प्रो बिजनेस 2009 की बुक है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पीरियलिज्म, ठीक है, ये बच्चों बुक ये मतलब आने वाली उनकी बुक है, ठीक है, तो ये भी मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बुक उनकी आने वाली है, ठीक है, 2020 में जस्ट आने वाली है, जनवरी 2020 में एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, तो ये जनवरी 2020 में आ जाएगी। बुक का नाम देख लेते हैं, इम्पीरियलिज्म एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट शेप्ड द ग्लोबल पेरिफेरी, ठीक है, तो इंपीरियलिज्म एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शेप द ग्लोबल पेरिफेरी, तो ये एक्सपेक्टेड है जनवरी 2020 में इनकी बुक ये आ जाएगी, ठीक है, इस बुक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, और अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए रिवीजन कराती जाऊंगी, और जितना भी हमारे लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ लेकर आऊंगी, ठीक है, आप मुझे बताते रहना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।